नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने बड़े ही धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया, तो वहीं नाना पाटेकर की तबीयत खराब होने की वजह से वो गणपति विसर्जन में शामिल नहीं हो पाए। इस मौके पर उनके फैंस को भी नाना पाटेकर का इंतजार था, पर नाना पाटेकर नजर नहीं आए। लेकिन गणपति विसर्जन के दौरान उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने नाना पाटेकर की तबीयत को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही, इसलिए आज वो आ नहीं सके और लोग रुके हुए हैं, सब उन्हीं के लिए रुके। मैं सबको जा के वही बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान की दया से जल्दी ठीक होंगे। ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन इन दिनों जो एक टोटल क्लाइमेट है उसकी वजह से बार बार मतलब बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, फिर से बीमार होते हैं, तो वैसी एक बात है, बस और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही दिन थोड़ा इंटेंस था, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे। मैं चाहता था कि अगर यहाँ नहीं तो शायद मेरे ख्याल से थोड़े आगे कहीं तो वो ज्वाइन हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी अब भी उनसे बात हुई तो नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। जेन्युइनली मी ऋणी आहे आणि मी उपकृत आहे तुम्हाला सगळ्यांचा, की तुम्ही इतना प्यार करते नाना साहब पे। तो हम सभी एक सारी दुनिया को एक एक्सटेंडेड जो एक फैमिली समझ के चलते हैं, और जो पूर्वजों ने कहा है कि हे विश्वची माझे घर, तो वैसी एक फीलिंग है, ये दुनिया को घर मान के चलते और सभी फैमिली मेम्बर, और जिस तरीके से सामने से लोग प्यार करते हैं उसी तरीके से हम सबसे प्यार करते हैं, और मैं जेन्युइनली सभी का उपकृत हूँ और ऋणी हूँ और इंडेप्टेड हूँ जो भी नाना साहब के लिए इतना एक ये फीलिंग और ये भावना रखता है, और जेन्युइनली और ऐसे यही प्यार बरकरार है, बस और कुछ नहीं।